Why can't we take one slab of p-type semiconductor and physically join it to another slab of n-type semiconductor to get p-n junction? देखिए, a junction can only work if it is continuous from one section to another. One section to another, or say it allows flow of electrons to P region and holes to N region when required. This cannot happen if a p-type and an n-type are just joined together. ऐसा नहीं हो सकता. Joined together, the pn combination formed by this way, combination formed by this method is not one continuous p-n junction, but two separate and individual PNN sections, individual P and N sections. तो आदान प्रदान नहीं हो सकता जब जैसे रिक्वायर्ड होगा. तो बता देता हूँ मैं आपको. वैसे तो आंसर खत्म हो गया, लेकिन एक सिंगल ब्लॉक लेते हैं. सपोज सिलिकन ले लिया और यहाँ से और यहाँ दो अलग साइड में अलग अलग इम्प्योरिटी से डोपिंग कराई जाती है. सपोज यहाँ से हमने करा दी आर्सेनिक से तो ये हो गया एन टाइप, यहाँ से हमने करा दी मानो एल्यूमिनियम से ये हो गया पी टाइप, और फिर ये आपस में मर्ज होते हैं और एक ऐसा रीजन बन जाता है जहाँ पर ना तो इनके इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं ना पी टाइप के होल्स बचे हुए हैं, ऑलरेडी कंबाइन हो चुके हैं और यहाँ पर आपको कोई होल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, केवल एक एटम मिलेगा. ठीक है, तो इस रीजन के बनने के बाद इस रीजन को डिप्लीशन लेयर भी बोला जाता है. तो कुल मिला के हम क्या करते हैं, हम डिफ्यूजन डिवाइस इस्तेमाल करते हैं. जैसे डिफ्यूजन डिवाइसेस आती हैं उनका इस्तेमाल करा जाता है, जिससे कि डिफ्यूजन डिवाइसेस से हम भेज रहे हैं एल्यूमिनियम और आर्सेनिक को. सो ये जो तरीका है कि एक सिंगल ब्लॉक, मतलब एक्चुअली होता क्या है, सिंगल ब्लॉक ऑफ से सिलिकन इज टेकन एंड डोप्ड फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है, सो ऐसे तो हम जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्लियरली कि फ्लो नहीं करेगा. अगर आपने जोड़ भी दिया, मान लीजिए आपने पहले पी बना लिया और आपने एन बना लिया, तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस. ये प्रॉब्लम है. ठीक है, इसलिए हम उनको सिर्फ डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, ये तो अलग ब्लॉक माने जाएंगे.